किसान वीरों सत श्री अकाल, मैं दविंदर। मेरे यूट्यूब चैनल संधु फार्मिंग हेल्प तो किसान वीरों, इस वीडियो में मैं तुहानू कमजोर पशु नू मोटा करन अते उसका दुध वधाउण बारे जानकारी देवांगा। वीडियो नू ध्यान नाल वेख्यो। चलो वीडियो शुरू करदा। किसान वीरों, जदों असी पशु की सूण तो पहला चंगी सांभ संभाल नहीं करते, उसनू असी संतुलित खुराक सही मात्रा में नहीं पाते तो वह सूण तो बाद होर कमजोर हो जाता है। असी की करते हाँ कि जेडे पशु दुध देंदे हन उन्हां वल ज़्यादा ध्यान देंदे हाँ, अते जेडे पशु दुध नहीं देंदे उन्हां दी देखभाल सांभ संभाल असी घट करदे हाँ। इस करके वो सूण तो बाद होर कमजोर हो जाते हैं अते दुध नहीं देंदे, नाले कई बीमारियों का भी शिकार हो जाते। साढ़े चंगी नस्ल के होने के बावजूद भी सानू घाटा पा जाते हैं। किसान वीरों, आपां पशु की सूण तो पहला ही चंगी सांभ संभाल करनी है। फिर भी जेकर सूण तो बाद तुहाडा पशु कमजोर हो गया है, इहदा भार घट गया है, तो तुसीं उस नूं मोटा कर सकते हो अते उसका दुध वधा सकते हो। उस पशु की सब तो पहला डीवर्मिंग करो, उसनू मलप्पां वालियां गोलियां दो अते उसनू संतुलित खुराक पाओ। किसान वीरों, सूण तो 5-7 दिन पहला पशु घट खाता है अते जद पशु सू पैंदा है तो असी उसनू जिहड़ा दलिया ते गुड़ आदि पाउंदे हाँ वह ज़्यादा मात्रा च खवा देंदे हाँ, तो उसके मेदे विच तेजाबीपन आ जाता है अते उसकी भुख होर घट जाती है। इसलिए उसनू 1 किलो दलिया अते पाइया गुड़ तो वध नहीं खवाउणा चाहीदा। यह दलिया ते गुड़ उसनू सन्नी करके ही खवाउणा चाहीदा है, निरा नहीं खवाउणा चाहीदा। पशु नू इस टाइम कैल्शियम बंद कर देना चाहिदा है। सूण दे 4-5 दिन कैल्शियम जैल दे सकते हाँ, उस तो बाद कैल्शियम नहीं देना। धातां दा चूरा वधिया क्वालिटी दा 100 ग्राम प्रति दिन घट दुध देने वाले पशु नू अते 150 ग्राम प्रति दिन वध दुध देने वाले पशु नू दे सकते हाँ। पशु नू खुराक की देनी है? चारा वधिया क्वालिटी का देना है अते वंड विच आपां की पा के बना सकते हाँ। फलीदार चारे नाल जिहड़ा वंड बनाउणा उस विच 20% प्रोटीन होनी चाहीदी है अते उस विच 30% खलां, 33% अनाज, 33% चौकर, 2 किलो मिनरल मिक्सचर चंगी कंपनी का, 1 किलो लून अते 1 किलो बाईपास फैट पा के वंड बनाउणा है जिहड़ा उस पशु नूं पाउणा है। गैर फलीदार नाल प्रोटीन जिहड़ी है 23% होनी चाहीदी है वंड दे विच। उस विच फिर खलां जिहड़ियां 40% कर देणियां, 30% अनाज अते 25% उस विच छिलका पाउणा है। 1.5 किलो नमक जिहड़ा सोडा पाउणा है, बफर ने सोडियम बाईकार्बोनेट अते मैगनीशियम ऑक्साइड 3-1 दे अनुपात विच हुंदे हन। ईस्ट 150-200 ग्राम पाउणा प्रति क्वांटल विच अते 2 किलो मिनरल मिक्सचर पाउणा है। इस तरह जिहड़ा पशु है इह खुराक उसनू जदों पावांगे तां उसदा भार वधेगा अते अगले सूए वास्ते वह तैयार हो जाएगा। पशु नूं वध तो वध खवाउण की कोशिश करनी है, इस करके ये जिहड़ा वंड ते सारा कुछ आपां सन्नी करके उसनू खवाउणा है अते हर वेले उस दे पानी का इंतजाम करना है कि जदों जी करे पानी पी सके। कई बार किसान वीरों, दुध विच फैट इन्नी घट हो जाती है कि जब कोई होर बंदा दुध लैके जाता है तो वह कहता है कि दुध विच पानी पाया है, लेकिन अजिहा नहीं हुंदा। इसका कारण यह हुंदा है कि फैट जब घट होती है तो रूमन का तेजाबीपन इस दे घटन का कारण बनता है। तेजाबीपन रोकने लई
फीडर ला के तूड़ी हरे चारे विच मिक्स करके ही पाउणा चाहीदा है। बाईपास फैट नाल भी फैट वध जांदी है, पर यह बाईपास फैट सिर्फ ज़्यादा दुध वाले पशुओं ही पाई जाती है, घट दुध वाले पशुओं बाईपास फैट नहीं दिती जाती। SNF के घटन का कारण पशु के ज़्यादा चिर भुखे रहन कारण हुंदा है, SNF घट जाती है जब डंगर नूं छेती पट्ठे नहीं मिलते। दूजा कारण है खुराक विच प्रोटीन जां बाईपास प्रोटीन घट करके। प्रोटीन नूं पूरा करन लई रोस्टड सोआ जां मस्टर्ड बाईपास आउंदी है वह पाउणी चाहीदी है। पशु नूं हर वेले संतुलित खुराक उपलब्ध होवे तां SNF नहीं घटेगी। कई बार किसान वीर दुकानां ते फैट अते SNF वधाउण वास्ते चिलेटड मिनरल मिक्सचर लै आउंदे हन, इन्हां दी लोड़ नहीं हुंदी, ये महंगे हुंदे हन, इन्हां दा कोई फायदा नहीं, नजायज दे पैसे लगते हैं। उम्मीद है कि किसान वीरो तुहानू इस वीडियो विच वेखन नाल बहुत लाभ होया होवेगा, इसलिए मेरी इस वीडियो नू होर किसान वीरां नू शेयर कर दिओ अते मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर देना। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।